हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बजे हैं 10:30 और मानसून की जो पहली बारिश है वो दिल्ली की आज शुरू हो चुकी है। और बहुत ही काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी वो, उससे तो थोड़ा सा छुटकारा मिला है। तो फ्रेंड्स, जो इतने दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी उससे थोड़ा सा हमें राहत मिली है। और जो ये पहली बारिश हुई है बहुत ही अच्छी लग रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। और जाहिर सी बात है, बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं तो मौसम का तो बदलना ही सही है, क्योंकि नहीं तो बच्चे भी स्कूल वगैरह कैसे जाएंगे ये सोच रहे थे हम कि अगर स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे कैसे स्कूल जाएँ। लेकिन अब चलो, अच्छा मौसम हो गया है। तो फ्रेंड्स, बारिश में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कपड़े कहाँ डालें, यानी कि कपड़े सुखाने के लिए कहाँ डालें। तो आज मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम कपड़े कहाँ डालें। लेकिन मैंने अपना इंतजाम कर लिया है, मैंने नीचे पार्किंग में लगा ली है एक रस्सी और उसी पे मैंने डाले हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती थोड़ी देर में कपड़े सुखा के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बारिश के फ़ायदे हमारे, कि जो पार्किंग में कपड़े डालने थे वो डाल दिए और बाकी ये यहाँ पे सोफ़े पे पसर रहे हैं सारे कपड़े, क्योंकि जगह नहीं बची थी तो मैंने सोफ़ों पे ही अपने ये कपड़े सुखा दिए हैं। लोगों के बैठने की जगह तो है नहीं, पर सोफ़े पे कपड़े ज़रूर सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है तो समोसे तो बनते ही हैं, तो ये यहाँ पर खाए जा रहे समोसे। गाइस, मेरा तो समोसा खत्म हो गया, मैं तो पापड़ी पापड़ी खाती रहती हूँ। पापड़ी पापड़ी खाती रहती हूँ और साथ में जूस। आज तक सब वेलकम चैनल। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बारिश के मौसम में कैसे कपड़े सुखाने की दिक्कत हो जाती है, लेकिन इससे हमें बारिश होने से फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। और बारिश तो ज़रूरी है होना, मानसून में बारिश आती है तो सही लगता है और उसके बारिश आने से मौसम भी ठंडा हो जाता है और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जैसे कपड़े वपड़े सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो चलो वो तो कोई बात नहीं। तो जैसे है कि बारिश के मौसम में समोसे भी खा लिए हमने और कपड़े वपड़े जो है सोफ़े पे फैला दिए हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और आज सिस्टर डे भी है ना। तो फ्रेंड्स, आज सिस्टर डे है तो आप सबको हैप्पी सिस्टर डे। और सिस्टर डे पे क्या देना होता है सिस्टर? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको पसंद आई हो, चुन्नी देते अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।